All of the following are symptoms of emphysema except mist, difficulty in breathing, loss of elasticity of lungs, intense coughing symptoms है. emphysema के सिर्फ जो इनमें से symptom नहीं था वो है increased production of sputum, यानी C जो है हमारा correct answer है. Which of the following is correct about the condition of the following muscles when we breathe in, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, inspire करते हैं, inhalation होता है तब. एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. आप वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने इसकी ट्रिक्स याद करने की बताई, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इस तरह के एमसीक्यूज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज यूरेटर. ए रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड वेसल्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरेटर को जो हमारा करेक्ट आंसर है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिनरी ब्लडर को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरेथ्रा को. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूरेटर को, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बॉडी इफ नॉट रिमूव्ड क्विकली. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर इतने टॉक्सिक नहीं होंगे अगर वो क्विकली रिमूव ना किए जाए तो कोई मसला नहीं, और ऑक्सीजन तो पता है आपको हमें नीड होती है रिस्पायरेशन में. तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, अमोनिया जो है ना मोस्ट टॉक्सिक होगा अगर उसको क्विकली रिमूव ना किया जाए हमारी बॉडी से, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डज नॉट मैच करेक्टली विद द हार्मोन इट सिक्रीट्स. पेंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट एंटी डायूरेटिक हार्मोन करेक्ट है, ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन ये भी करेक्ट है, ग्लूकागॉन पेंक्रियास सिक्रीट करते हैं, थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता, थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीट करता है. तो मीन्स डी इज द इनकरेक्ट, जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज डी, क्योंकि ये रॉन्ग था, बाकी सारे क्या थे करेक्ट थे. तो हमें रॉन्ग ऑप्शन को ही पहचाना था क्योंकि लिखा था डज नॉट मैच करेक्टली, तो मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ ह्यूमन ईयर. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लेबल्स 1, 2 एंड 3. वन इज स्टेप्स, टू इज इंकस, थ्री इज कॉक्लिया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, जिसके अंदर हमारे पास तीनों करेक्ट लेबल्स है, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वन इज स्टेप्स, टू इज इंकस एंड थ्री इज कॉक्लिया, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स. करेक्ट आंसर इज बी डेंड्राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram shows a sensory neuron. Which of the labeled structures correctly identifies the cell body? The nucleus and most of the cytoplasm of a neuron is located in the cell body. तो हमें nucleus कहाँ नजर आ रहा है, option D में, तो इसलिए जो correct answer है वो है इसका D. D is the correct answer. D cell body को show कर रहा है. Bones is a tissue capable of growth and repair. Which of the following sets is mainly responsible to ensure this characteristic of bones? Bones क्यों growth और repair कर सकती है, उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है, just because of the presence of calcium और proteins. ठीक है, तो proteins और calcium दोनों किस option में हमारे पास एक साथ मौजूद थे, वो option B में थे, इसलिए जो हमारा इसका correct answer है वो B, because of the presence of protein and calcium, bone is capable of growth and repair. Means B is the correct answer. Which of the following matches the organism with its correct type of asexual reproduction? तो हमें सही correct type पहचाननी थी organism और उसकी asexual reproduction भी. Planaria में हमें mostly fragmentation नजर आता है. Paramecium और amoeba चूंकि unicellular organism है तो उनके अंदर क्या हमें usually binary fission नजर आता है, तो इसलिए जो correct option था budding और hydra. Means hydra में usually जो asexual reproduction होती है वो विद द हेल्प ऑफ बडिंग होती है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है, दैट इज बडिंग हाइड्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2N डिप्लॉइड साइगोट एंड 3N डिप्लॉइड एंडोस्पर्म. तो
चूंकि यहाँ पे हैप्लोइड जाइगोट्स थे तो ये रॉन्ग हो गया, और एक ही ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म सेल मिलता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो है सी है, वन ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, तो सी इज दी करेक्ट आंसर। हमें एक टू एंड जाइगोट मिलता है और एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, चूंकि करेक्ट ऑप्शन एक ही से मैच करा था इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज वन ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। इफ अ होमोजाइगस टॉल मैन मैरिज अ होमोजाइगस ड्रॉप वुमेन, वट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉल चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट जनरेशन। अगर एक होमोजाइगस टॉल मैन मैरी करता है एक होमोजाइगस ड्रॉप वुमेन को, तो कितने परसेंट हमें टॉल चिल्ड्रन मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में, यह हमें बताना है। हम होमोजाइगस टॉल मैन के लिए टी टी का लेटर यूज करें और होमोजाइगस ड्रॉप वुमेन के लिए स्मॉल टी का, फिर आप इस तरह से यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, ये टी यहाँ से लिखा मैंने, ये टी यहाँ से, ये स्मॉल टी यहाँ से, और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये टी यहाँ से आया, ये स्मॉल टी यहाँ से, इसी तरह ये टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये कैपिटल टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये कैपिटल यहाँ टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है, टॉल है। आपको पता है कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर को, तो डोमिनेंट मास्क कर देते हैं रिसेसिव को, तो सारे ऑफ स्प्रिंग क्या है, टॉल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी 100% हमें टॉल चिल्ड्रन मिल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ फर कलर इन प्योर ब्रीडिंग रेट्स, विच रेट इज हिट्रोजाइगस फॉर कलर्स। एक डायग्राम हमें गिवन है जिसमें हमें दो जनरेशन शो करें, प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है, प्योर ब्रीडिंग रेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेड है और यहाँ पे जो रेड है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स दोनों के पास आइडेंटिकल एलील्स है, मीन्स ये वाला जो रेड है ए, उसके पास दोनों कैपिटल बी होंगे और इस वाले रेड के पास भी दोनों सेम अलील होंगे, दैट इज स्मॉल बी, और आपको पता है रिसेसिव कलर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होते हैं, तो इसलिए बी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी और डी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। बट फिर भी अगर हमें प्रॉपरली जाना होता तो हम कैसे करते इसको सॉल्व, मैंने इस वाले रेड के लिए दोनों कैपिटल बी यूज़ किया और इस वाले रेड के लिए दोनों स्मॉल बी, ये फिर मैंने इसका यूनिट स्क्वायर बनाया, होपफुली आपको बनाना आता होगा, ये कैपिटल बी यहाँ पे आ गया और ये कैपिटल यहाँ पी यहाँ पे भी आ गया, इसी तरह ये स्मॉल बी यहाँ पे और ये स्मॉल बी यहाँ पे, सेम ये कैपिटल बी यहाँ पे, ये सब कैपिटल बी यहाँ पे, ये स्मॉल बी यहाँ पर और ये स्मॉल बी यहाँ पे, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, चारों जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग है वो ब्लैक है बट इन हीट्रोजाइगस कंडीशन में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है, सी में जो हमें रेड मिल रहा है वो हीट्रोजाइगस मिल रहा है, और हमसे सवाल में यही पूछा था कि हीट्रोजाइगस कौन है इनमें से, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबल था और बी भी, फिर भी जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है, मीन्स हीट्रोजाइगस रेड्स को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, तीन ब्लैक और एक वाइट, मीन्स ये क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, ओनली द सी इज द हीट्रोजाइगस, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए हमारे ए और बी शॉर्टलिस्ट हो गए थे। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और गुआइनिन हमेशा साइटोसिनिन के साथ, तो जो करेक्ट आंसर थे इस हिसाब से ए और सी थे, क्योंकि दोनों करेक्ट आंसर्स हमारे पास ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए है, दैट इज एडिनिन पेयर विथ थाइमिन एंड बॉन्ड बिटवीन देम इज हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सेलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन द लेस वेल एडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स, मीन्स करेक्ट आंसर इज लार्ज अपेंडिक्स इन कैटल। बाकी ऑप्शन ए बी टी तीनों आर्टिफिशियल सेलेक्शन की एग्जाम्पल है, सी
C is the correct example of natural selection, that is large appendix in cattle. Which of the following directly damages the atmosphere as a result of deforestation? Damages the atmosphere से relevant option ढूंढना है, इसलिए हमारा correct answer option B है, that is reduced oxygen in air is the correct answer. Less land for cultivation, penetration of ultraviolet rays, high humidity in atmosphere, ये तीनों क्या है, wrong option है. Humidity high नहीं हो जाएगी, low हो जाएगी. Damages the atmosphere से relevant B सही है, इसलिए B is the correct answer. Next question, in the food web shown below, which of the following are secondary consumers? Secondary consumers identify करना है, जो plant को खाते हैं वो primary consumers या herbivores होते हैं, means grasshopper और caterpillar क्या है, herbivores या primary consumers. जो primary consumers को eat करते हैं वो होते हैं secondary consumers, तो यहाँ पे secondary consumer कौन है, bird और spider, जो caterpillar और grasshopper को खा रहे हैं, means B is the correct answer. That is spider and bird are correct secondary consumers. Next question, in the food web given below, which of the following is the correct order of energy flow? सबसे पहले producers होते हैं जो sunlight को use करते हैं, ठीक है? Means producers को कौन eat कर रहा है? Grasshopper जो primary consumer है या herbivores है. Frog किसको eat कर रहा है? Primary consumer को, तो वो क्या है? Secondary consumer है या carnivores है. फ्रॉग को कौन ईट कर रहा है? बर्ड. तो बर्ड किसकी एग्जांपल है? टर्जरी कंज्यूमर की. तो एनर्जी फ्लो किस तरह हो रही है? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू ग्रास होपर, फ्रॉम ग्रास होपर टू फ्रॉग, एंड फ्रॉम फ्रॉग टू बर्ड. मीन्स ऑर्डर क्या है? 1, 4, 3, 2. तो ये किस ऑप्शन में था? ऑप्शन सी में ही करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी, दैट इज 1, 4, 3, 2 इज द राइट आंसर, जो शो कर रहा है करेक्ट सीक्वेंस, मीन्स सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pictures shows population? Given picture में से हमें identify करना है population को. Population, a group of organisms of the same species inhabiting a specific geographical area habitat at a particular time is called a population. तो option A represent कर रहा है population को, जिसके अंदर हमें same species के individual नजर आ रहे हैं, means A is the correct answer. Next question. Light, an abiotic component of ecosystem, affects the life on earth because it makes use of carbon dioxide. Correct answer is A, because आपको पता है photosynthesis में carbon dioxide और water मिलके glucose और oxygen बनाता है, वो किसकी presence में होता है? Light. तो light चूंकि वो abiotic factor है, but फिर भी वो बहुत important effect करता है life को. क्यों? क्योंकि photosynthesis without light does not take place. Means A is the correct answer. Next question, the use of non-biodegradable insecticides on crops is a major source of pollution which affects consumers' health. In the food chain given below, which of the following possesses the highest amount of insecticides? Carrots, rabbits, snakes or hawk? Mein correct answer kya hai? Option D, that is hawk possesses highest amount of insecticides, means D is the correct answer. Next question, amylase is used in bread making to break starch into sugar. This sugar is used to release carbon dioxide to make cavities in the dough. Correct answer is option A. Amylase bread making में use किया जाता है, क्यों? ताकि sugar से release करे carbon dioxide, ताकि cavities बने dough में. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. बाकी सारे ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं थे, इनकरेक्ट थे, मींस ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर, एन एम्पेलर इज अ डिवाइस व्हिच मिक्सेस द एयर बबल्स विद न्यूट्रिएंट ब्रॉट, मींस बी इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शन, दैट इज रिमूव हीट ड्यूरिंग माइक्रोबियल एक्टिविटीज, कंट्रोल्स पीएच ऑफ द कल्चर ब्रॉट, monitors temperature inside the fermenter are not correct. Only the option B is the correct, means B is the right answer. Next question, the table refers to 4 different drugs. Which drug is most likely to be an antibiotics? Antibiotics are used to kill bacteria, that's why kills bacteria is correct.
causes hallucinogenation is wrong. No, it does not cause. Damages nerve tissue, wrong. Not, it does not. Develop resistance, correct. तो हमारे चारों करेक्ट ऑप्शन किस में? ऑप्शन डी में. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज डज नॉट कॉज हेलुसिनेशन, डज नॉट डैमेजेस नर्व टिश्यूज, किल्स बैक्टीरिया एंड डेवलप रेजिस्टेंस. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग पिल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेसेंट. मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शन इन करेक्ट है. दैट इज एनल्जेसिक्स, हेलुसिनोजेंस, स्टिमुलेंट्स आर नॉट करेक्ट. करेक्ट आंसर इज स्लीपिंग पिल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेसेंट. मीन्स बी इज द राइट आंसर.